हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप इंडिया पोस्ट बीसी बन चुके हैं तो आप उसमें अपना अकाउंट, पिछली वीडियो हमने बताया था अकाउंट किस तरह से ऐड करना है, और आज हम आपको बताएंगे क्योंकि इंडिया पोस्ट में किस तरह से आप अपने अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे। तो आपको बीसी ऐप को लॉगिन कर लेना, यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड आपको एंटर कर देना है, यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। दोस्तों, अगर आप बीसी बन चुके हैं तो यहाँ पर अभी आप हमारे वॉलेट में 1404 रुपये पूरा टोटल देख पा रहे हैं। इसको अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। और एक और बात हम आपको बता दें, इसमें 100 रुपये दोस्तों जो है रखना ज़रूरी है, तभी आप पे आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो कैश आउट फास्ट ट्रांजेक्शन विथ अस पर आपको क्लिक कर देना है। वॉलेट हैश टू पर क्लिक कर देना है। वॉलेट टू बैंक पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर वॉलेट टू और बैंक अकाउंट नंबर शो हो जाएगा। और नो तो दोस्तों, यहाँ पर आप नोट के नीचे आप चार्जेस देख पा रहे हैं। चार्जेस फॉर सेटलमेंट आर 5 रुपये 25, मतलब यह है कि अगर आप 25,000 तक ट्रांसफ़र करेंगे तो 5 रुपये आपका IMPS का लगने वाला है, और 10 रुपये 25,000 से ऊपर 1,00,000 तक आपका लगेगा। और दोस्तों, नेफ्ट का भी ये इंडिया पोस्ट चार्ज ले रही है, आपको ध्यान देना है। यहाँ पर दिया हुआ है 3-4 नेफ्ट अप टू 1,00,000, मतलब आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे या 1,000, 2,000, 5,000 का, आपका जो है 3 रुपये ज़रूर ये लेगा आपसे, लेगा ही, क्योंकि इसमें 100 रुपये ज़रूरी है रखना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ट्रांसफ़र पर क्लिक कर देना है। ट्रांसफ़र पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको अमाउंट डाल देना है। चलिए हम अमाउंट डाल देते हैं, फिर आप अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर आपका जो है नेफ्ट पर क्लिक कर देना है क्योंकि हम नेफ्ट से करने वाले हैं। फिर आपको यहाँ पर दोस्तों जो है प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। फिर आपको थोड़ा सा वेट, यानी प्लीज़ वेट, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा ट्रांजेक्शन प्लीज़ विथ योर ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग का मैसेज आ गया है। यहाँ पर हम जो है थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उसके बाद में हम आपको डन पर क्लिक कर देते हैं। आप बैक आ जाना है। जैसे ही बैक आएंगे तो यहाँ पर अभी वॉलेट में हमारे दोस्तों 104 रुपये रह गए हैं। 3 रुपये अभी हमारा जो इसका तुरंत कट जाएगा, आपको दिखाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये इसमें बहुत बड़ी बीमारी है कि आप नेफ्ट का भी चार्ज इसको देना होगा, और 100 रुपये इसमें ज़रूरी है रखना, तभी आप कोई ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप इंडिया पोस्ट बीसी बनना चाहते हैं तो आपको अपने पोस्ट ऑफिस में जाके कॉन्टेक्ट करना है। जो आपका ज़िला पर पोस्ट ऑफिस हो वहाँ से आप बीसी बन सकते हैं। अगर मेरे द्वारा आपको जानकारी जो दी गई अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आशा करते हैं आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।